हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। रक्षा ही तो है जो मालिक की शरण में जाता है, ये उदी उसकी रक्षा करती है। और जो मालिक को चुनौती देता है, ये उदी उसको सबक सिखाती है। सब साईं बाबा की कृपा है, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा साईं बाबा करेंगे। दिनकर चलें? कहाँ चलें? शिरडी साईं बाबा से अपना कल्याण करवाने। रिश्तों में आग लगाकर आखिर वो इंसान पाना क्या चाहता है? सिर्फ पैसा? पैसे से क्या होगा? क्या उसका उद्धार हो जाएगा? लखू देखो, गोंदिया को सही सलामत गौशाला ले जाओ। जी बाबा। जाओ। मेरे नाना को प्यास लगी है, उसे पानी चाहिए और उसे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। आप तो हमेशा कहते हैं कि आपका भक्त सात समंदर पार ही क्यों ना हो, उसके कल्याण के लिए आप तत्काल वहाँ पहुँच जाते हैं। यह आदमी जिस पत्थर पर बैठा है उस पत्थर के नीचे पानी ही पानी है। अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए दामू अन्ना। पूरे
2,00,000 रुपए का मुनाफा हो सकता है। देखो धर्मानंद, हमने साफ साफ कह दिया है, हम कोई भी गैर कानूनी धंधा नहीं करेंगे। भाभी, इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है, और वैसे भी हम जो कुछ भी करेंगे कानून में रहकर करेंगे, और इस व्यापार में मुझे नुकसान की कोई बात ही दिखाई नहीं दे रही, बस चारों ओर फायदा ही फायदा है। दामू अन्ना, रुई का व्यापार कोई काला धंधा नहीं है, इसमें सब साफ है, कानूनी है। इस सौदे से इनकार करने का मतलब होगा घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारना। तुम क्या कहती हो? हमें साईं बाबा से इजाजत लेनी चाहिए। लालसा, लालसा यानी अभिलाषा। चाहे पैसे की हो, जमीन जायदाद की हो या औरत की हो, इंसान को सच्चाई के रास्ते से हटा देती है। लालसा इंसान के अंदर कुंभकर्ण की तरह सोए हुए क्रोध, अहंकार, अविवेक, स्वार्थ, विश्वासघात, द्वेष आदि भयंकर शत्रुओं को जगाती है, और जब इंसान इन शत्रुओं के अधीन होता है तो वह खुद अपने विनाश की तरफ चल पड़ता है। लालसा कभी खत्म नहीं होती, कोई अंत नहीं है लालसा का। जैसे नमक का पानी पीकर इंसान की प्यास नहीं बुझती, बढ़ती है, वैसे ही लालसा है। एक पूरी करो, दूसरी फन निकाल कर मन के दरवाजे पर जोर से दस्तक देती है, फिर अनर्थ होता है। इसलिए कहता हूं, अपना अधोपतन रोकना है तो मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, फिर ये चंचल मन बहकेगा नहीं, किसी भी लालसा से ललचाएगा नहीं। सबका मालिक हे हे हे। मेरी मानो तो तुम भी किसी बाबा से जाकर पूछो कि ऐसी हालत में तुम्हें क्या करना चाहिए। किस बाबा से? स्वामी धर्मानंद बाबा। मुझे तुम्हारा भविष्य कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। कोशिश करो। कोशिश? किस चीज की कोशिश? अपने भैया और भाभी से उनकी जमीन और जायदाद अपने नाम पर करवाने की कोशिश। ये क्या है? कटोरा खाली, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा, भीख मांगने के लिए। देवा, 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 अहमदनगर से दामू अन्ना का खत आया। अरे श्यामा, पढ़कर सुनाओ तो सही। श्री माधवराव गुरुजी को दामू अन्ना का प्रणाम। गुरुजी, मेरे दलाल ने रुई का व्यापार करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर लाखों के मुनाफे की संभावना है। मैं चाहता हूँ इस व्यापार में मुझे साईं बाबा का आशीर्वाद मिले। आपका स्नेहाभिलाषी दामू अन्ना। सेठ पागल हो गया है, कितना समझाया फिर भी पैसों के पीछे भागना चाहता है। उसे लिख दो श्यामा, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष मानकर लाखों के चक्रव्यूह से दूर रहना चाहिए। सबका मालिक एक। क्या साईं बाबा ने हमें रुई का व्यापार करने की आज्ञा दे दी? नहीं, फिर भी गुरुजी ने लिखा है कि साईं बाबा ने कहा है कि लाखों के चक्रव्यूह से दूर रहो, जो जैसा है
उसे ही समाधान मानो। गुरुजी ने आगे लिखा है कि फिर भी आप खुद शिरडी आकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। मतलब अभी भी मौका है धर्मानंद। उर्मिला, मैं लाखों का व्यापार अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। मैं खुद शिरडी जाकर साईं बाबा से मिलूंगा। जय जय सूर्यनायक, जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता। ओम जगतकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय गंगा। आयन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर मन जाने कोई। अन्ना आपके दर्शन करने आए हैं। जानता हूं श्यामा, सब जानता हूं। क्यों उर्मिला बेटी, अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं है बाबा। आपकी दुआ साथ हो तो किसी भी बद्दुआ का असर हो ही नहीं सकता। मैं आपकी कृतज्ञ हूं बाबा। आप ही के आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं और आप ही की दुआ से मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा उस बद्दुआ से हुई। आपका हर शब्द हमारे लिए वेद वचन होगा, हम उसका पालन करेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा। सदा खुश रहो। लेकिन भैया, आपने साईं बाबा से वो रुई वाले व्यापार की तो बात ही नहीं की। क्यों, क्या आप लोग लाखों का मुनाफा देने वाले उस व्यापार को बंद कर देना चाहते हैं? साईं बाबा के सामने उर्मिला ने बात ही ऐसी की कि मैं रुई के व्यापार की बात करना ही भूल गया। हाँ, अब हम जब भी द्वारका माई जाएंगे तो रुई के व्यापार की बात जरूर करूंगा। लेकिन हाँ, अब मैं जो तुम लोगों से बात कहने जा रहा हूं वो बात हम तीनों में ही रहनी चाहिए। साईं बाबा ने अगर रुई का व्यापार करने की अनुमति दे दी तो उसमें से जो भी फायदा होगा उसमें से 20% मैं साईं बाबा को अर्पित करूंगा। साईनाथ, क्या हुआ बाबा? आप अचानक हंसने क्यों लगे? हमें भी तो बताइए बाबा, हम भी हंस लेंगे। तो फिर हंसो हंसो, तुम भी हंसो। लेकिन क्यों, हंसने के लिए बात भी तो समझ में आनी चाहिए ना देवा। श्यामा, तुम्हारा दामू अन्ना मुझे मुनाफे का 20% देने वाला है। व्यापार के लिए मैंने उसे मना किया था, अगर मैं वो व्यापार करने की अनुमति उसे देता हूँ तो रिश्वत के तौर पर मुझे मुनाफे का 20% दे रहा है। मुनाफे का 20%। गुरुजी, आप कैसे आना हुआ? हमें वैसे भी आप ही का इंतजार। क्यों, मुझे भी अपने मुनाफे का 20% देने का सोचा है आपने? गुरुजी,
20% वाली बात आपको किसने बताई? भाभी, मेरे देवा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब बात पता होती है। आपका बच्चा निकलने के लिए जब किसी की बद्दुआ आई, ये साईं बाबा को द्वारिका माई में बैठे पता चला, तो उन्होंने आपकी रक्षा की, और आज आप उन्हें 20% लालच देने की सोच रहे हैं। अरे क्या ये बात उनको पता नहीं चलेगी? आप अपने आप को समझते क्या है दामू अन्ना? इतना पैसा है आपके पास कि आप साक्षात भगवान को खरीद लेंगे? अरे भूल गए आप जो आप साईं बाबा के पास याचक बनकर आए थे, झोली फैलाकर उनका कृपा प्रसाद मांगा था, और आज अचानक ताता बनकर मेरे देवा की झोली भरना चाहते हो? लेकिन गुरुजी। अरे तुम चुप रहो दिनकर, तुम्हारे भैया भाभी ने अपनी अक्ल अहमदनगर में गिरवी रखी है, जो साईं बाबा का अपमान करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बात तो हम सोच भी नहीं सकते। तो जिस व्यापार के लिए साईं बाबा ने तुम्हें अनुमति नहीं दी, उस अनुमति को पाने के लिए तुमने साईं बाबा को पैसों का लालच देने का सोचा भी कैसे? दामू अन्ना, जितना मुनाफा तुम व्यापार में कमाते हो ना, मेरे साईं बाबा उतना पैसा हर रोज अपने भक्तों में बांट देते हैं, समझे? गुरुजी मुझसे गलती हो गई गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती मत किया करो दामू अन्ना। हमें माफ कर दीजिए गुरुजी, हम दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे, और हम बाबा से माफी मांगने उनके शरण में जाएंगे। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है, कोई पास हो के दूर हो, चांदे ही तू सबके पास है, चांदे ही हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है, अपने ऊपर ले लेता जीवों पर आए दुख तमाम, साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम, साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम, सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण बाबा तो भिखारी है, भिक्षा मांग कर खाता है, और मेरे भैया भाभी इसे भगवान मानते हैं। साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए। आप दयालु हैं बाबा, करुणा कर हैं। व्यापार बढ़ाने की कोशिश में दामोजी का संयम छूट गया, आप इन्हें इसके लिए माफ कर दीजिए। कोशिश और मोह में फर्क है उर्मिला बेटी, व्यापार को बढ़ाने की कोशिश हर व्यापारी करता है, लेकिन मुनाफे के मोह में किया गया व्यापार कभी कभी नुकसान का सौदा भी बन जाता है। मोह चाहे किसी का भी हो दामू अन्ना, अच्छा नहीं होता। बाबा, अब मैं रुई का सौदा नहीं करूंगा, अगर आपका आशीर्वाद ना हो तो मैं कोई भी व्यापार नहीं करूंगा, मैं आधी रोटी खाकर गुजारा कर लूंगा, पर आपका आशीर्वाद नहीं खोऊंगा। बस आप इसी तरह हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए बाबा। सबका मालिक एक। इक्षाम देही। मैं आधी रोटी में गुजारा करने वाला नहीं हूं भैया, धर्मानंद ठीक ही कहता है, इस साहेब बाबा की भक्ति में आप सारा व्यापार चौपट कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे जितनी जल्दी हो सके आपके सारे व्यापार को अपने कब्जे में लेना होगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धर्मानंद तुम? क्या हुआ दिनकर? धर्मानंद, अगर भैया और भाभी
व्यापार नहीं करना चाहते तो क्या हुआ, मैं व्यापार करूंगा। तुम्हें पता है ना दिलकर, व्यापार में पैसों की जरूरत होती है, वो भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे रुपए पैसे। मैं लगाऊंगा पैसे, आज तक जितने भी पैसे जमा किए हैं सब लगा दूंगा। ऐसा व्यापार करूंगा धर्मानंद जिसमें लाखों का मुनाफा हो। अब नाना आएगा। लेकिन बाबा, नाना साहब है कहाँ? कोपर गांव में सूर्य ग्रहण समाप्त होने का इंतजार कर रहा है वो। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? अरे लक्ष्मी की माँ, नाना मुझे दान दे रहा है। आपको दान दे रहे हैं? लेकिन नाना साहब तो कोपर गांव में हैं। अरे मैं भी तो कोपर गांव पहुंच गया हूँ महासापति। दे दान छूटे ग्रहण। देखो देखो, नाना ने मुझे चवन्नी दिए। नाना वाली देखो, श्यामा महासापति देखो, श्यामा देखो, नाना ने मुझे चाराने दिए हैं। चाराने दिए हैं मुझे। सुनो 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 सुनो, लक्कू मारवाड़ी आ गया, लक्कू मारवाड़ी आ गया। बैल को गौशाला में छोड़ के लक्कू मारवाड़ी आ गया। क्या हुआ, आप सबने मुझे इस तरह से क्यों घेर रखा है? लखू, तुमने गोंदिया को गौशाला तक पहुंचा दिया था ना? भैया जी अप्पा, इसीलिए तो तुमने गोंदिया को मेरे साथ भेजा था ना? लखू मारवाड़ी, गोंदा ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसे छोड़कर जब तुम आने लगे तब? भैया जी अप्पा, आपको अब गोंदिया को भूल जाना चाहिए। भैया जी, गोंदिया पर आपको इतनी ममता थी तो आपने उसे शिवजी को क्यों अर्पण किया? आप चिंता क्यों करते हैं बया जी अप्पा, गौशाला में गोंदिया को कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोगों ने सुन लिया ना, लखू मारवाड़ी ने अपना काम कर दिया। चलिए। जाओ 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 अपने अपने घर जाओ जाओ। हम किसी को ठीक तरह से जानते तक नहीं, फिर भी उसकी बात पर झट से यकीन कर लेते हैं, मुखौटा देखते हैं, मुखौटे की आड़ में छिपा हुआ उसका असली चेहरा जानने तक की कोशिश तक नहीं करते। वो मुस्कुराता है, हम उसकी मुस्कुराहट का आनंद लेने लगते हैं, और हमें एक बार भी ये सोचना नहीं पड़ता कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे छल कपट भी तो हो सकता है। हम अपना समझकर उस पर विश्वास करते हुए उसके कंधे पर बड़े प्यार से अपनी गर्दन रख देते हैं, और वो निर्दयी होकर हमारी गर्दन काट देता है। हम उफ तक नहीं करते, आंखें बंद करके दिल के दरवाजे पर ताला लगाकर कभी किसी पर विश्वास मत करो। और अगर आंखें बंद करके विश्वास करना है तो एक उस मालिक पर करो, उस मालिक के चेहरे पर मुखौटा नहीं होता, वो कभी किसी से छल कपट नहीं करता। उसकी जबान पर एक और दिल में दूसरी बात कभी नहीं होती। तुम गुमराह मत हो,
किसी के मुखौटे की अदाकारी देखकर, उसका अभिनय देखकर उसकी बातों में मत फंसो। फंसो तो मालिक की शरण में फंसो, उसकी शरण में जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक जी। अप्पा माया जी, अप्पा वहां मेरी हालत खराब हो रही है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो माया जी, उठो, उठो माया जी, उठो। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, महालसापति जी, साईं बाबा कहाँ हैं? भैया जी, अप्पा हम सब भी सुबह से साईनाथ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप साईं बाबा को क्यों ढूंढ रहे हैं भैया जी? अप्पा, साईं बाबा रात को इनके सपने में आए थे। कुछ कहा आपसे? हाँ, कह रहे थे कि मेरी हालत यहाँ बुरी है और तुम वहाँ चैन की नींद सो रहे हो। और बोले तुम्हें कसाई के घर के सामने बांध कर रखा हुआ है। कसाई के घर के सामने? बाबा तो सभी को बंधन से मुक्त करते हैं, भला उन्हें कौन बांध कर रख सकता है। गुरुजी ठीक कह रहे हैं भैया जी। अप्पा आपको जरूर कोई वहम हुआ है। वहम नहीं, जब से साईं बाबा मेरे सपने में आए हैं मेरी नींद ही उड़ गई है। उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा होगा? साईं बाबा ने जरूर कोई गुड़ बात करके कुछ संकेत दिया है गुरुजी। लेकिन हमें उनके संकेत का पता कैसे चलेगा महालसापति जी? वो खुद भी अचानक गायब हो गए हैं। उस दिन जब मैं साईं बाबा के लिए खीर लेकर आई थी, तब साईं बाबा ने कहा कि मैंने तभी खीर खा ली थी जब मैंने गोंदिया बैल को खीर खिलाई थी। गोंदिया बैल? महालसापति जी, कसाई के घर के सामने इंसान को नहीं जानवर को बांधा जाता है। कहीं बाबा ने गोंदिया बैल के लिए तो संकेत नहीं दिया? इससे पहले भी साईं बाबा ने मेरे सपने में आकर कहा था कि उन्होंने साऊजी के खेत में भोजन किया और दूसरे ही दिन साऊजी ने मुझसे शिकायत की कि गोंदिया ने उनके खेत का सत्यानाश कर दिया। लेकिन गोंदिया को तो हमने गौशाला में भर्ती करवा दिया। दाल में कुछ काला है गुरुजी। वो लखु मारवाड़ी लेके गया था ना गोंदिया को, मैं अभी उसे बुला के लाता हूँ। गौशाला से गोंदिया कसाई के घर कैसे जाएगा? ये तो लखु मारवाड़ी से ही पूछेंगे। हाँ हाँ, आने दो उसे। वो नहीं है, वो लखु मारवाड़ी खरीदारी करने के लिए ना वो नासिक गया है। अब क्या करें? सपने में साईं बाबा कह रहे थे कि उनकी हालत बहुत बुरी है। गुरुजी, मेरे ख्याल से आप बयाजी अप्पा और शगुन के साथ येवला जाकर गौशाला से पता लगाएं कि सत्य क्या है। देख लिया आपने, इस गौशाला में आपका कोई बैल भर्ती नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? चार दिन पहले ही शिरडी के लखु मारवाड़ी ने मेरा गोंदिया नाम का बैल ही भर्ती किया था। आप चार दिन पहले की बात कर रहे हो? इस गौशाला में तो पिछले पूरे महीने में शिरडी का कोई बैल नहीं आया। वैसे आप पहले आदमी नहीं हो, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। लोग बोल देते हैं के जानवर को गौशाला में भर्ती कर दिया है, लेकिन वो जानवर को बेच देते हैं। बेच देते हैं? किसे? कसाई सुलेमान को। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो बाया जी, उठो, उठो बाया जी, उठो। अच्छा सुलेमान कसाई यहाँ कहाँ रहता है? गौशाला से बाहर निकलकर दाएं मुड़िए और थोड़ा चलिए, थोड़ी दूर पर कसाई का घर है। लेकिन कसाई ने आपके गोंदा बैल को काट दिया होगा तो? नहीं नहीं, गोंदिया उसके घर के सामने बंधा है। साईं बाबा ने मुझे सपने में ही कहा था। चलो। आहा।
साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई साई बोल। सुलेमान भाई, कौन बैल बेचने आए हो? नहीं नहीं, हम तो गलती से आपको बेचा हुआ बैल वापस लेने आए हैं। कनती सुधारने का मौका किसे मिलता है यहाँ? 14 रुपए में खरीदा था, आज ही उसे काट कर बड़े भाई बाजार में बेचने भी चले गए। नहीं माया जी अप्पा नहीं, अपने आप को संभालो। गुरुजी, है मेरे गोंदिया की आवाज है। हाँ गुरुजी, ये मेरे गोंदिया की आवाज है। मेरा गोंदिया मुझे पुकार रहा है। गोंदिया, गोंदिया। ये मेरे गोंदिया की आवाज है गुरुजी, वो मुझे पुकार रहा है गुरुजी। चलो गोंदिया। गोंदिया, गोंदिया मेरे बच्चे, गोंदिया। अब समझ में आया, इसीलिए साईं बाबा बोल रहे थे कि उन्हें कसाई के घर के सामने बांध रखा है। ए, क्या हो रहा है? ये मेरा गोंदिया है, हम इसे लेने के लिए आए हैं। मैंने 14 रुपए में इसे खरीदा है। किसने बेचा इसे तुम्हें? शिरडी के लखू मारवाड़ी ने। लखू? लखू सेठ, तुम यहां क्यों आए हो? क्यों आए हो तुम? अपने 14 रुपए लेने आया हूँ। कैसी बात कर रहे हो सुलेमान भाई? मैंने आपको गोंदिया बैल 14 रुपए में बेचा था, कोई उधार नहीं लिया था आपसे, जो आप 14 रुपए मांगने के लिए यहाँ चले आए। क्या बेचा तुमने लघु सेठ? गोंदिया बैल। फिर से बोलना, क्या बेचा तूने? को बेचेगा तू? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी लखू मारवाड़ी। लखू, चंद रुपयों के लिए तुमने गोंदिया बैल को बेच दिया? गुरुजी मैं माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी, इस गद्दार को पुलिस के हवाले कर दीजिए। 2-3 महीने जेल की चक्की पीसेगा तभी तू समझेगा। नहीं माजपति, नहीं। तू पापी है, नराधर्म है, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। इस पर खून का इल्जाम लगाना चाहिए, इसने हमारे विश्वास का खून किया है। इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। सुख धाम धन धाम गुण धाम यश धाम गोंदिया। जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है, क्यों? उसे लगता है सभी की आंखें बंद हैं और कोई उसे नहीं देख रहा है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। ठीक इसी तरह जो विश्वासघात करता है, धोखेबाजी करता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बलि देना चाहता है,
वो भी यही समझता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है, किसी की नजर उस पर नहीं है। लेकिन ऐसा अपराध करने वाले ये नहीं जानते कि मालिक हर तरफ है, हर दिशा में है, और उसकी एक नहीं हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, वो सब देखता है, सब सुनता है, सब जानता है। मालिक ऐसे अपराधियों का न्याय करता है और उन्हें उनके किए की सजा भी देता है। सबका मालिक एक। वैद्य जी, अरे गिर गई। वैद्य जी, अब देखते हैं कि वो ढोंगी साई क्या करता है। वैद्य जी, अरे क्या हुआ मूरा, क्यों चिल्ला रहा है? अरे ये कहाँ गया? वैद्य जी, अरे राम राम राम, अरे किसी का खाना चुरा के आया है जो अंदर छुप गया, क्या हुआ? अरे मैजी, जल्दी से आप छुप जाइए। सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं छिप जाऊं? हैं? पुलिस है? पुलिस ने लक्खू मारवाड़ी को पकड़ लिया। बहुत मारा उसे। लोग कहते हैं 2 महीने की सजा होगी। मैजी, लक्खू मारवाड़ी के बाद अब आपकी बारी है। अरे राम राम राम, नमक हराम गधे, सत्यानाश हो जाए तेरा। वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी का जिस जिसने साथ दिया है उसका सवा सत्यानाश हो गया। ए धोंधु, चुप कर, तेरी। अच्छा, अब मैं तेरा राम नाम सत्य करता हूँ। कीजिए वैद्य जी, कीजिए सवा सत्यानाश, कीजिए सवा सत्यानाश, ये ले, ये सवा सत्यानाश। सत्यानाश हो जाए, अरे रुक, कहाँ जा रहा है जी? इसका मतलब है कि बयाजी अप्पा का गोंदिया बैल शिरडी में वापस लौट आया। अरे राम राम राम, भगवान, अब तो वो साईं अपनी जय जयकार करवाए ही करवाए। अरे धीरे बोल, अब वो ढोंगी सिर्फ जय जयकार नहीं करवाएगा, अपनी आरती भी उतरवाएगा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। गोंदिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा, आपकी लीला ने ही गोंदिया को बचा लिया। साईनाथ, आप कृपालु हो, आप दयालु हो बाबा। बेटी, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहां मैं हूं, जहां दूसरों के मन में आदर है वहां मैं हूं। जो इंसान जानवरों को भी प्यार देता है, सम्मान देता है, मैं उनके साथ हमेशा हूं। बाबा, आप हम पर इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। क्यों नाना, प्यास की वजह से व्याकुल हुए थे ना तुम? कैसे पानी पिलाया मैंने तुम्हें? दे दांत टूटे ग्रहण, दे दांत टूटे ग्रहण।
ग्रहण समाप्त होते ही तुमने मुझे चवन्नी ताने दी चाराने। अच्छा ये बताओ मैना बेटी कैसी है? आपकी कृपा से खुश है बाबा, सुखी है। उसका परिवार उसे बहुत चाहता है, बहुत आदर करता है, उसका उसे बहुत प्यार करता है। नानी नाना तुम भी इसी तरह सबका आदर करो, किसी का भी अपमान मत करो। पिछले जन्मों के ऋणाणु बंधों की वजह से ही इंसान इस जन्म में एक दूसरे से मिलता है। अगर कोई दरवाजे पर आया है तो उसे ठुकराओ मत। कोई कुछ मांगता है तो उसकी मांग पूरी करने की कोशिश करो, और अगर उसकी मांग नहीं पूरी कर सकते या नहीं पूरी करना चाहते तो भी उसका अपमान मत करो। प्यार से उसे कह दो क्षमा करो। आपका गुरुपदेश सदा ध्यान में रखेंगे बाबा। कल्याण हो तुम्हारा नाना। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का आराम। जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा तन अंबर तक विस्तार।